बायोडाइवर्सिटी। बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या हो गया? जीव। हमारे चारों ओर देखो पेड़ पौधे हैं और क्या है, जंतु हैं। तो पादप और जंतु हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, तो वो तो क्या हो गए, जीव। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी, और वैरायटी का मतलब होता है विविधता। हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग तरह के हैं, बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे प्रकार के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो वो ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हमारा पर्यावरण, इकोसिस्टम। जीव विविधता के अंदर देखो पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो पादप और जंतु दोनों पाए जाते हैं। एडवर्ड विल्सन को हम बायोडाइवर्सिटी का जनक कहते हैं, शब्द दिया था वॉल्टर ने। ये जैव विविधता शब्द किसने दिया? वॉल्टर ने। जैव विविधता के लिए दो शर्तें हैं, अत्यधिक वर्षा क्षेत्र और उच्च तापमान क्षेत्र। ये दो शर्तें जहां पूर्ण होती है वहां विविधता ज्यादा होगी। देखिए ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर हम देखें तो ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। भूमध्य रेखा जो होती है, यहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा आता है, इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी। और इसके पास वाला जो क्षेत्र होता है, दोनों तरफ का जो क्षेत्र, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहां पे भी जैव विविधता ज्यादा होती है, और जो ध्रुव होते हैं यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम, इसलिए यहाँ विविधता कम होती है। ध्रुवों पर हम ये मानते हैं शून्य होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, पेड़ पौधे और जीव जंतु बढ़ते जाएंगे। ब्राजील में सर्वाधिक विविधता है, और भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं यहां विविधता ज्यादा होती है, जो विश्व में द्वितीय स्थान पर है। उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट क्या होते हैं? बहुत अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं, यहां तक कि वो पेड़ पौधे या वो जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं जो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते। भारत में जीव विविधता के क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। केरल में एक जगह है शांत घाटी क्षेत्र जहां अधिक जीव विविधता पाई जाती है। जीव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जीव विविधता दशक 2011 से 2020 तक का समय जो था, IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। इसका गठन हुआ था 1948, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी को बचाना। वर्ष 1972 में सबसे एक महत्वपूर्ण बुक, रेड डाटा बुक, इन्होंने प्रकाशित की थी। इस बुक के अंदर उन पादपों और उन जंतुओं के बारे में बताया गया है जो संकटग्रस्त है या जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो खत्म हो रहे हैं। जैव विविधता के लिए संकट, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जनसंख्या वृद्धि होने से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, जीवों का आवास जो होते हैं यानी जो जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं, तो जीव भी नष्ट हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है, विदेशी प्रजातियां, बाहरी जो जीवों की प्रजातियां होती हैं वो दूसरे जीवों को नष्ट कर देती हैं, औद्योगिकीकरण, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं जो भी जीवों के लिए खतरा है। संरक्षण कैसे करें, इन सीटू और एक्स सीटू। किसी जीव को हम उसके प्राकृतिक आवास के अंदर, जैसे जंगल के अंदर ही उसको जाके अगर हम बचाएं तो वो इन सीटू है, लेकिन उसको जंगल से बाहर लाके एक कृत्रिम आवास निर्मित करके उसे हम संरक्षण दें तो वो एक्स सीटू है। जैव विविधता अधिनियम 2002 केंद्र सरकार ने फरवरी 2003 में लागू किया था। अगर शाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाए तो जैव विविधता को हम बचा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल 2 जून 2010 को गठित हुआ था। इसका मुख्यालय भोपाल में है। जैव विविधता कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, तो प्रथम सम्मेलन 1992 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था।